हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर में डिफरेंस पता चलने वाला है। तो मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे फ्रेंड को जाना था केदारकंठा ट्रैक, तो उसने गूगल पे सिंपली सर्च किया केदारकंठा ट्रैक, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए आ गए यहाँ पे जो टूर पैकेजेस इस केदारकंठा ट्रैक टूर पैकेज में डील करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्लिक किया इंडिया हाइक्स पे, सबसे पहले यही लिंक आ रहा है। तो ये पैक था यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका था ये पैकेज ऑन डेट्स में। फिर इसने क्लिक किया केदारकंठा ट्रैक, तो यहाँ पे ये अवेलेबल था, इनके साथ बुक कर लिया। तो एज ए जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे टूर पैकेज की मार्केटिंग करना। जैसे ही केदारकंठा सर्च किया तो देखो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये देखो ट्रैवल एजेंसी हो गई। तो ये यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन आ गई, इन्होंने अपने टूर पैकेजेस रैंक करवा रखे हैं केदारकंठा ट्रैक से रिलेटेड। देखो जो कीवर्ड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इन कीवर्ड्स पे इन्होंने अपनी वेबसाइट रैंक करवा रखी है अच्छे से, इसको पैकेज को क्रिएट करके पूरा इसके लिए लैंडिंग पेज बना के, इसका ऑन पेज एसईओ करके, ऑफ पेज एसईओ करके अच्छे से इसको रैंक करवा रखा है। तो एज ए ट्रैवल एजेंट क्या होता है, इनकी टूर पैकेजेस की पूरी मार्केटिंग करना, ठीक है। अब कस्टमर यहाँ पे आएगा, इस पे क्लिक करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, अपने पैकेज को बुक करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक जैसे ही किया तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो गई। यहाँ पे देखो केदारकंठा ट्रैक की कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, डे वाइज आइटनरी, पैकेज ऑप्शंस, मैप, रिव्यूज, पॉलिसी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं पूरे, कितना अच्छा लैंडिंग पेज इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे सबमिट इंक्वायरी कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपने पैकेज को। तो एज ए ट्रैवल एजेंट क्या काम होता है, कोई भी डेस्टिनेशन होती है, कोई भी पैकेज होता है, उसकी मार्केटिंग करना, अच्छे से मार्केटिंग करना, कस्टमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई ये पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उनसे फिर उनकी इन्फॉर्मेशन लेना और वो पैकेज बुक करना। इसके बाद क्या होता है, इनका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। जैसे ही देखो ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर में, ट्रैवल एजेंट क्या होता है, पैकेज को, जैसे ट्रैवल एजेंट सेल टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, दे हेल्प टू चूज ए सुटेबल पैकेज। लाइक अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, लाइक कस्टमर आता है उसने सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे ट्रैकिंग करनी है, विंटर ट्रैक करना है, समर ट्रैक करना है, मॉनसून ट्रैक करना, उसे ये बता दिया। और उसने फिर पूछा कि भाई मुझे थोड़ा सा इजी ट्रैक करना है या डिफिकल्ट ट्रैक करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर है एक ट्रैवल एजेंट से फिर पूछता है। तो वो सारा उसे बताते हैं कि हाँ इन इन डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं, ये ट्रैक कर सकते हैं, या ये टूर पैकेजेस आपके लिए सुटेबल है, आप हनीमून पैकेज पे जा रहे हैं तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। फैमिली ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए, ये डेस्टिनेशन अच्छी रहेगी। तो वो उसको ट्रैवल एजेंट क्या करता है, ट्रैवल एजेंट कंप्लीट टूर पैकेज को सेल करता है, चूज करने में हेल्प करवाता है, ठीक है। जैसे ही फिर कस्टमर ने चूज कर लिया, पूरा इन्फॉर्मेशन के बारे में ट्रैवल एजेंट से जानकारी ले ली, उसके बाद उसने बुक कर लिया, ठीक है। बुक करते ही जैसे ही बुक करता है तो उसकी जो ट्रैवल एजेंट की जो जॉब है, जो मेन उनका है, उस वो खत्म हो जाती है, उनकी जॉब खत्म हो जाती है। इसके बाद काम आता है टूर ऑपरेटर का, पिकअप से लेके ड्रॉप तक पूरी कंप्लीट फिर जो होती है क्लाइंट, जो टूर ऑपरेटर को मैनेज करना होता है। देयर जॉब एंड्स व्हेन यू रिटर्न होम फ्रॉम द वेकेशन। देखो टूर ऑपरेटर की जॉब स्टार्ट होती है जब जो क्लाइंट है उसका पैकेज स्टार्ट होता है, ट्रिप स्टार्ट होती है, जब से इसकी जॉब स्टार्ट होती है, और जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता, जब तक उसका लाइक पिकअप ड्रॉप लोकेशन तक, जो ट्रैवल एजेंट ने बोला था कि पिकअप लोकेशन ये है, ड्रॉप लोकेशन ये है, वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक टूर ऑपरेटर फिर पूरा मैनेज करता है। उसमें फिर टूर ऑपरेटर क्या क्या करता है, पूरा जो ट्रैवल एजेंट ने बोला है डे वन में ये होगा, डे टू में ये होगा, डे थ्री में ये होगा, तो कंप्लीट ये प्रोवाइड करता है उसे, डे वन में ये होगा, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, पूरे कंप्लीट को टूर को ऑपरेट करता है। उन्हें जो भी वहां पे डील है, जो लाइक कौन से कहाँ पे खाना चाहिए, कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में आप खा सकते हैं, कौन से होटल में स्टे करना है, टिकट्स वगैरह बुक करना,
ठीक है, तो कंप्लीट ये फिर टूर ऑपरेटर का काम आ जाता है। तो जैसे ही इस देखो एज ए ट्रैवल एजेंट इन्होंने अपनी मार्केटिंग कर रखी है उस डेस्टिनेशन की, उसके बाद ये पूरी इनसे इंफॉर्मेशन लेके बुक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड कंप्लीटली जब ट्रेवल कर रहा था इनके साथ, तो वो मुझे सारे डिटेल्स भेज रहा था कि ऐसे ऐसे मैंने बुक किया है। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही बुकिंग करने के बाद इन्होंने बोल दिया कि पिकअप पॉइंट हमारा वहां पे देहरादून में है, देहरादून में इस टाइम आपको मिलना है। वहां से फिर सारा आगे का जो प्रोसेस है, डे वन में, डे टू में, डे थ्री में जो होना है, वो कंप्लीट आपको किसी अदर कंपनी का इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, उनका मोबाइल नंबर, किससे कांटेक्ट करना है, उनकी वेबसाइट डिटेल्स इन्होंने शेयर कर दी, व्हाट्सएप पे, मेल पे इन्होंने शेयर कर दी। तो अब ट्रैवल एजेंट, एज ए ट्रैवल एजेंट, इनका जैसे ही क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे दी, देखो पैकेज की मार्केटिंग कर दी इन्होंने, क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, क्लाइंट को पैकेज बुक करवा दी, उसके बाद क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दी, जो एक्चुअली में क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। तो जैसे ही ये देहरादून में पहुंचे, देहरादून से फिर आगे का जो भी डे वाइज इन्होंने आइटनरी है आप देख सकते हैं, जैसे डे वन देहरादून से संकरी जाएंगे, फिर संकरी से जूडा का तालाब हो गया, जूडा के तालाब से बेस कैंप, तो कंप्लीट जो पूरा जो ऑपरेट करता है, फिर ये टूर ऑपरेटर ऑपरेट करता है कि अपने साथ में कैंप लेके जाना है, अपने साथ में खाने का सामान लेके जाना है, वहां पे कंप्लीट प्रोसेस की कोई कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए उस ट्रिप के दौरान, तो ये सारा काम फिर टूर ऑपरेटर का हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेनली ट्रैवल एजेंट का क्या काम होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ट्रैवल एजेंट का काम होता है जो टूर पैकेजेस है उनको सेल करना होता है, चूज करवाना होता है, चूज कि कौन सा सुटेबल पैकेज आपको रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो पैकेज बुक हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ट्रैवल एजेंट का काम खत्म हो जाता है, फिर टूर ऑपरेटर का काम स्टार्ट होता है। दे हैव लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देन टूर ऑपरेटर। हाँ, इनका काम होता है पैकेज की मार्केटिंग करना, कस्टमर लेके आना, लीड्स जनरेट करना, कस्टमर लेके आना, ठीक है, उसके बाद टूर ऑपरेटर को फॉरवर्ड कर देना। इसके बाद टूर ऑपरेटर सारा मैनेज करता है कि डे वन में कहाँ से पिकअप करना है, ठीक है, उसके बाद ओवरनाइट जर्नी या जैसे भी उस डेस्टिनेशन पे जाना, डे वन में क्या क्या करना है, डे टू में क्या क्या करना है, तो पूरा कंप्लीट मैनेज, पूरा ऑपरेट टूर ऑपरेटर करता है। तो बेसिकली ये ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर में डिफरेंस हो गए। ट्रैवल एजेंट देखो बहुत सारे डेस्टिनेशन में फिर डील करता है, ठीक है, हिमाचल में फॉर एग्जाम्पल हो गया, उत्तराखंड, राजस्थान हो गया, गोवा, केरला, इसके अदर देन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में मार्केटिंग मार्केटिंग कर सकता है ये, अपनी वेबसाइट पे हो गया या अपनी जो आसपास का एरिया है, किसी भी तरीके से मार्केटिंग करे। मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जैसे भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओगे, मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मार्केटिंग के मैंने बहुत सारे मेथड्स शेयर कर रखे हैं। आप तो अपने ट्रैवल बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग प्लान, ठीक है, होटल बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस को ग्रो करने में कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस था। तो इसके अदर देन ट्रैवल एजेंट बहुत सारे डेस्टिनेशन में अब मार्केटिंग करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर जिन जिन डेस्टिनेशन में ट्रैवल एजेंट मार्केटिंग करना शुरू कर देता है, जिनके टूर पैकेजेस सेल करना शुरू कर देता है, इनको सेल करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये टूर ऑपरेटर से कनेक्शन बनाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी एक पैकेज मेरी मार्केटिंग करनी शुरू की, लाइक केदारनाथ हो गया, केदारकंठा हो गया, या कसोल खीरगंगा हो गया, ठीक है, इसके अदर देन हिमाचल उत्तराखंड में और लोकेशंस हो गई, तो ट्रैवल एजेंट उनकी मार्केटिंग करेगा और वहां पे देखेगा कि यहाँ पे कौन से टूर ऑपरेटर अच्छे हैं। अगर कोई मनाली जा रहा है, वहां टूर ऑपरेटर कौन से अच्छे हैं, जो अच्छे से जो इसके कस्टमर है ट्रैवल एजेंट के, इस ट्रैवल एजेंसी के, उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही ये केदारकंठा ट्रैक पे गए थे, तो वो तो जो कस्टमर है वो थ्रिलोफिलिया को जानता है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसको भी रहता है कि जो अच्छे टूर ऑपरेटर हैं वहां के उनसे कनेक्शन किया जाए ताकि अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर दे, ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना आए कोई। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलता है ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर में, ये डिफरेंस होता है जो अभी हमने डिस्कस किया कंप्लीट। तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट है,
तो ये था कंप्लीट। तो इस वीडियो के बारे में इतना ही। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अपकमिंग वीडियोस के लिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लो आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।